आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और ये है न्यूज टाइम। कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली, लालू पर बरस कर बोले, बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं लालू, बिहार की 40 सीट एनडीए जीतेगी। एनडीए के इकलौते मुस्लिम सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल, लालू ने दी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, पशुपति पारस को लगा तगड़ा झटका। मुख्यमंत्री नीतीश के फिर बिगड़े बोल, लालू यादव के बच्चों को लेकर नीतीश का विवादित बयान, कहा इतना ज्यादा बाल बच्चा पैदा कर दिया। नीतीश के बयान पर लालू की महिला ब्रिगेड भड़की, कहा माफी मांगे नीतीश। टिकट मिलने के एक दिन बाद ही वीआईपी कैंडिडेट राजेश कुशवाहा पर केस दर्ज, बिना अनुमति पार्टी झंडा के साथ रोड शो का आरोप। जेल में बंद पूर्व एमएलए अनंत सिंह की तबीयत बिगड़ी, किडनी की शिकायत के बाद आईजीआईएमएस में भर्ती, AK-47 केस में हुई है 10 साल की सजा। रोहतास पुलिस ने कुख्यात इनामी अपराधी को दबोचा, एक केस में गवाहों को धमकाने पहुंचे आरोपी को पुलिस की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। नालंदा में भोज खाने जा रहे व्यक्ति की हत्या के इरादे से बदमाशों ने गला रेता, हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जीजा की सड़क हादसे में मौत, शोक में डूबा गांव, कोलकाता में होगा अंतिम संस्कार, पूरा परिवार पहुंचा पश्चिम बंगाल। नालंदा के कबाड़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों रुपए का नुकसान। बिहार में गर्मी इतनी कि चिड़िया घर में लगाना पड़ रहा कूलर, पटना जू में जानवरों को किया जा रहा फव्वारे से छिड़काव, खान पान का भी रखा जा रहा विशेष ध्यान। आज की खबरों में इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें ETVBharat.com पर।